नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक बहुत पुराना गाना था, गाने की लाइन मुखमुखियती की, दिल की बात जवाब पर आ ना जाए। तो वो गाना अयोध्या में लगभग वही लाइनें सामने आईं। एक बहुत भव्य कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, दीपोत्सव का हर साल करते हैं और हर साल अफसर कहते हैं कि इस साल हमने रिकॉर्ड बना दिया। दिए जलाने का होता है कि हम कितने दिए जला सकते हैं। शायद इस बार 17 लाख दिए थे और हर बार वही तस्वीर होती है। जब दिए जल जाते हैं तो सुबह गरीब लोग आते हैं कि दिए में सरसों का तेल शायद बचा हो तो वो सरसों का तेल ले जाएं, कुछ शायद 2 वक्त की रोटी बना सकें, क्योंकि सरसों का तेल इतना महंगा है कि गरीब की थाली से सरसों का तेल अब दूर जा चुका है। उसके पास सब्जी बनाने को, उसके पास खाना बनाने को अब उसकी रेंज से बाहर होती जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आपकी रसोई का गैस का सिलेंडर, आपका पेट्रोल डीजल, सबकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तो बड़ी दर्दनाक तस्वीरें होती हैं कि एक तरफ आप, मुझे बताया गया किसी ने कि 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च हुए एक आयोजन में। आप सोचिए कि जिस देश के में 82 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, उनको फ्री का राशन दिया जा रहा है, उस देश के सबसे बड़े प्रदेश में 50 करोड़ रुपया एक दिन में खर्च किए जाते हैं दिए जलाने में। अब मुझे नहीं पता कि प्रदेश की कितनी जनता के घरों में दिए जले होंगे। एक पत्रकार हैं रणविजय, उसने ट्वीट किया था उस दिन कि 2-3 लोगों का नाम बताए थे जो छोटी छोटी रकम जिनकी कर्जे की हो गई थी वो नहीं दे पाए थे, तो उन्होंने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया। ऐसे में इतने बड़े भव्य आयोजन में 50 करोड़ खर्च किए जाते हैं तो क्या कहा जाए। सरकार को अपना वोट बैंक दिखता है तो वो खर्च करती है। इस बीच में एक और घटना घटी जिसने पूरे कार्यक्रम को चर्चा में ला दिया। मुख्यमंत्री दीपोत्सव के कार्यक्रम में थे एक जगह, तभी अचानक भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के विधायक आगे आए। मुख्यमंत्री जी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि तुम पीछे हटो, तुम तो पहले भी तुमने जमीनों के बहुत सारे कब्जा कर रखे हैं। आप सोचिए, लाइव कार्यक्रम चल रहा था मुख्यमंत्री का, अगर कोई रिकॉर्डिंग होती तो यहाँ के अफसर पत्रकारों को, चैनलों वालों को धमका के कटवा देते, लेकिन लाइव चल रहा था। मुख्यमंत्री अपनी ही सत्ताधारी पार्टी के विधायक से कह रहे हैं कि तुम थोड़ा पीछे हटो, तुमने बहुत सारी ज़मीनों का कब्जा कर रखा है। देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं अपनी पार्टी के विधायक का। आप पीछे नहीं है, ठीक है, अभी सही है। आपने बहुत सारी जमीन कब्जा की होंगे। बाबा आप पीछे नहीं है, ठीक है, अभी सही है। आपने बहुत सारी जमीन कब्जा की होंगे। देखा आपने, बीजेपी के रूलिंग पार्टी के विधायक से उनका अपना मुख्यमंत्री कह रहा है कि तुमने बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। 4PM अकेला ऐसा अखबार था जिसने पहले पन्ने पर एक दो बार नहीं, कई बार खबरें छापी कि किस तरह भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या इन बेईमान अफसरों, बेईमान नेताओं और बहुत सारे भूमाफियाओं के हाथों में गिरवी रख दी गई है। भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या को लूटने का एक जरिया बना दिया गया है। अयोध्या के मेयर की इतनी कहानियां सामने आईं कि शायद आप और मैं उन कहानियों को कह के और आप उनके शर्मिंदा हो जाएंगे। अयोध्या में जमीन को लूटने में अयोध्या के मेयर, अयोध्या के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और तमाम बड़े नेता अफसर पीछे नहीं रहे। मेरे पास लगातार लोग अयोध्या के भेजते रहते हैं। एक एजुकेशन विभाग में एक जॉइंट डायरेक्टर हैं, शायद मेरे को कल किसी ने डिटेल भेजी है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत का वहाँ पे उन्होंने होटल बना दिया है। रामायण नाम या कोई और नाम है इसका। मैंने उनसे कहा है कि कुछ पेपर भेजिए, दस्तावेज दीजिए जिससे मैं अध्ययन कर सकूँ। आप सोचिए, शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा जिसकी पत्नी बीजेपी की नेता है, वहाँ पे वो 100 करोड़ का एक होटल बना देता है। ईडी और इनकम टैक्स शायद यहाँ के लिए बनी नहीं है, देखती नहीं है वो ऐसी चीज़ों को, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में है तो एक सुरक्षित कवच मिल जाता है सत्ता का, जिससे सत्ता चुप रह जाती है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक की इस तरह सार्वजनिक बेइज्जती
सार्वजनिक मुख्यमंत्री जी की घोषणा कि तुमने तो जमीन पर बहुत सारे कब्जा कर रखे हैं, फिर उनको पार्टी से निकाला क्यों नहीं जा रहा, ये भी एक बड़ा सवाल अयोध्या वासियों और पूरे प्रदेश के लोगों के बीच में है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जिस जमीन को, करोड़ों की जमीन को 3-4 करोड़ में खरीदा गया, मिनटों बाद उसको 16-17 करोड़ में कैसे खरीदा गया, ये भी चर्चा का विषय है। अयोध्या के बीच में चर्चा का विषय है। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं ओपी सिंह, क्या कहते हैं पूरे मामले पे, सुनिए जरा। अयोध्या के पावन भूमि की बोली भू माफिया लगा रहे हैं। पिछले कई महीनों से तमाम मीडियों में ये सुर्खियां बनी हुई हैं कि किस तरह अयोध्या की जमीनें बेची जा रही हैं। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है। दीपोत्सव के दूसरे दिन कार सेवकपुरम में पत्रकारों के साथ वार्ता के पहले एक वीडियो वायरल हुआ है मुख्यमंत्री का, जिसमें वे कहते हुए अपने साथ चल रहे एक जनप्रतिनिधि को ये कहते हुए कि आप पीछे हटिए, आपने बहुत सी जमीनें खरीद ली होंगी। इस पर आज यह वायरल हुआ है या वीडियो जो है मुख्यमंत्री का, इससे एक बड़े संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या के जमीन घोटाले को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और सनसनीखेज खबर बन सकती है। जैसा कि मीडिया ही तमाम बार इसको लिख चुका है कि इसमें सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि शामिल हैं। फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह ने बकायदा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर SIT जांच की मांग की है। हालांकि अभी उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच समिति नहीं बनी है, लेकिन जो सूचनाएं छनकर आ रही हैं उससे यह लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं ओपी सिंह जी, अयोध्या में रहते हैं, सालों से पत्रकारिता करते हैं, बच्चा बच्चा कर जगह जगह पहचानते हैं। सारी बेईमानियां करो, पूरा प्रदेश लूट लो, अयोध्या को तो छोड़ देते, भगवान राम की नगरी को तो छोड़ देते, भ्रष्टाचार करने में छोड़ देते, तो वहां के मेयर हो, तो वहां के विधायक हो, तो तुम्हें इतना तो आंख का मान रखते, इतना तो सम्मान रखते कि ये प्रभु श्री राम की नगरी है, अपने पैसे की हवस में यहाँ तो बेईमानी का साम्राज्य मत खड़ा करो। लेकिन राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। प्रभु श्री राम है, माफ कर देते हैं सबको, लुटेरों को भी माफ करेंगे, इन भू माफियाओं को भी माफ करेंगे, इन अफसरों को भी माफ करेंगे, इन नेताओं को भी माफ करेंगे जो उनकी नगरी में इस तरह का लूट मचाए। लेकिन 4 PM की ड्यूटी है कि हम सच बताते रहें। ये हमारा UP का चैनल है 4 PM UP, हमारा नेशनल चैनल 4 PM News Network है, बिहार का चैनल हमारा 4 PM बिहार है। ये वीडियो आप 4 PM UP पर देख रहे हैं, लेकिन बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सच की आवाज़ दूर तक जाना चाहिए। अपने दोस्तों से कहें कि 4 PM को सहयोग करें, बढ़ाएं चैनल को, आपकी आवाज़ बनके खड़ा रहेगा। शुक्रिया।